लखपत बहराइच के घाघरा नदी के किनारे खड़ी हुई हूँ। और अगर हम बात करें घाघरा नदी के जलस्तर बढ़ने की, तो लगातार घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, लेकिन अभी खतरे की कोई घंटी नहीं बची है। अगर बात करें घाघरा नदी के जलस्तर की, तो वो अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही है, लेकिन जिस तरह से घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, उससे लगता है कि जल्द ही खतरे के निशान को घाघरा नदी पार कर लेगी। इस समय अगर किसानों की बात करें तो वो दोहरे संकट से जूझ रहा है। एक तरफ मानसून आ गया है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे बारिश का काफ़ी अभाव है, और यहाँ पे किसान धान की खेती मुख्यतः करते हैं। धान की खेती की रुपाई ठीक से नहीं हो पाई है बारिश ना होने की वजह से। जो नर्सरी लगाई गई थी, कहीं कहीं वो भी सूख गई है। दूसरी तरफ बाढ़ की स्थिति भी घाघरा नदी से बन जाती है। अगर बारिश हो या ना हो, लेकिन जो घाघरा नदी का बाढ़ वाला क्षेत्र आता है, इसमें बाढ़ आ जाती है। तो ऐसे में अब शासन प्रशासन किसानों को दोहरी मार से देखना है कि कैसे बचाता है, कैसे इनकी मदद करता है, कैसे घाघरा नदी के बाढ़ आ जाने से किसानों की सैकड़ों एकड़ भूमि इस बाढ़ में चली जाती है, कटान में चली जाती है, और कृषि योग्य भूमि नष्ट हो जाती है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो पुल डैमेज हो गया है, उसका काम मरम्मत थोड़ा हो रहा है बीच में। तो कब से यहाँ पे पुल डैमेज हुआ है? 2-3-4 दिन हो गए शायद। और अभी डैमेज खत्म हुआ कि नहीं हुआ? अभी जो काम चल रहा है बन जाएगा। अच्छा, मतलब काम चल रहा है। अभी जो घाघरा नदी है खतरे के निशान से तो नीचे बह रही है, लेकिन हाँ, जिस तरह से जलस्तर हाँ, बढ़ रहा है, क्या लगता है? जलस्तर डेली बढ़ रहा है, डेली बढ़ रहा है। 4 दिन हुए हैं, डेली बढ़ रहा है। अच्छा, 4 दिन से जलस्तर इसका रोज बढ़ा जा रहा है। घाघरा नदी का पानी जो था अभी कम था, अब लगातार बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो कुछ डर लग रहा है कि बाढ़ आ जाएगी या बाढ़ आ जाती है तो कैसा वो? जब बाढ़ आ जाए तब डर तो लगभग करे। अच्छा, तो अभी तो बाढ़ नहीं आई है ना, लेकिन अभी मन में डर है कि कहीं बाढ़ आ जाए। नहीं, बाढ़ चल रही है। अच्छा, बाढ़ चल रही है। शासन प्रशासन से कुछ मदद मिलती है जब बाढ़ आ जाती है तो? हाँ, मिलती है।